हेलो गाइस तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फाइलिंग जीएसटी रिटर्न्स हमने पिछले में रिटर्न्स के टाइप्स किए थे कि कितने टाइप्स की रिटर्न्स होती हैं तो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी देख लो रिटर्न्स वाला पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा ये हमारी रिटर्न्स वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इसके बाद ये चैप्टर फिनिश है देन हम हमारा पेमेंट्स वाला चैप्टर करेंगे ठीक है इसमें हम देख रहे हैं देखो क्या लिख रखा है फर्स्ट हम लाइन वाइज लाइन रीड कर रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर टू डीलर एंड कस्टमर्स ओल्ड टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स पेयर हैव टू फाइल देअर टैक्स रिटर्न विद द जी एस टी डिपार्टमेंट एवरी ईयर जितने भी टैक्स पेयर्स हैं सबको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है जी एस टी डिपार्टमेंट को हर साल अंडर द न्यू जी एस टी डिज़ाइन फाइलिंग टैक्स रिटर्न हैज़ बिकम ऑटोमेटिड मतलब फाइलिंग रिटर्न करना एक मतलब कंपलशन सा हो गया है GST return can be filed online using the software. हम खुद भी फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू एप्स के थ्रू प्रोवाइडिंग बाय गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क विच विल बी ऑटो पॉपुलेटेड द डिटेल ऑफ जी एस टी आर फॉर्म्स इसके अंदर हमारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऑटो आटु पॉपुलेट होती रहती हैं जैसे जैसे हम उसमें फ़िल करते रहते हैं हमारे टैक्स की लाइबिलिटीज अपने आप कम होता होती जाती हैं हम रिटर्न फिल करते हैं ना अमाउंट पे कर देते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट होती रहती है लिस्ट बिल लिसन बिलो दी आर दी स्टेप्स फॉर दी फाइलिंग जी एस टी रिटर्न ये हमारे कुछ स्टेप्स हैं हमारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके बाद छोटा सा ही टॉपिक होने वाला है ये देखते हैं फटाफट स्टेप्स स्टेप वन क्या है विजिट दी जीएसटी पोर्टल कौन सा पोर्टल है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गमेंट डॉट जी एस टी डॉट गोमेंट डॉट इन उसके बाद स्टेप टू क्या होता है हमारा एक जी एस टी नंबर होता है फिफ्टीन डिजिट्स का फिफ्टीन डिजिट जी एस टी आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी इशू बेस्ड ऑन योर स्टेट कोड एंड पैन नंबर और हमें एक जी एस टी नंबर प्रोवाइड किया जाता है पैन और हमारे स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है उसमें हमारे टेन डिजिट्स के फर्स्ट टू डिजिट स्टेट कोड होते हैं देन टेन पैन होते हैं देन टू uh, कुछ uh, वो था चेकसम अमाउंट का भी एक नंबर होता है लास्ट वाला और एक इसमें होता था हमारा एंटिटी कोड तो उस अकॉर्डिंग हमें सारे नंबर दिए होते हैं तो उस अकॉर्डिंग हमें एक जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है स्टेप थर्ड में क्या होता है अपलोड इन ऑन दी जी पोर्टल हमें हमारे बिल जो होते हैं सेल परचेज के वो अपलोड करने होते हैं जीएसटी पोर्टल और सॉफ्टवेयर एंड इन वॉइस रेफरेंस नंबर विल बी इशू अगेंस्ट ईच इन वॉयस तो हम उसके अगेंस्ट में हमें हर बिल के अगेंस्ट में एक इन वॉयस रेफरेंस नंबर इशू करके देते हैं वो स्टेप फोर में क्या होता है आफ्टर अपलोडिंग इन वॉयस हमने इन वॉयस अपलोड कर दिए आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई के कम्युनिकेटिव मंथली रिटर्न हैज़ टू बी फाइल ऑनलाइन हमने मंथली रिटर्न फाइल कर दी अब ऑनलाइन इफ़ देयर आर एनी एरर और उस इस, अगर उसके अंदर कोई भी एरर होएगा यू हैव द ऑप्शन टू करेक्ट इट एंड रीफाइल द रिटर्न तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको रीफाइल कर सकते हैं करेक्शन कर सकते हैं उस एरर में फोर स्टेप समझ आए फर्स्ट पोर्टल पे जाना है देन हमारे पास हमें एक जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा या हमारे पास ऑलरेडी अगर है तो देन हम सीधा अपलोड करते हैं अपलोड इनपुट सर्विसेज जीएसटी पोर्टल और सॉफ्टवेयर तो हमें उसके बदले में एक रेफरेंस नंबर प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जैसे हमने अपलोड कर दिए हमारे बिल हमारी मंथली रिटर्न फाइल होगी और उसके अंदर अगर कोई भी एरर है तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न दोबारा फाइल कर सकते हैं ठीक है देन हमारा स्टेप फाइव आता है फाइल दी आउटवर्ड सप्लाईज स्टेप फाइव में होता है फाइल दी आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न इन जी एस टी आर वन फॉर्म थ्रो दी इंफॉर्मेशन सेक्शन एट द जी एस टी कॉमन पोर्टल और बिफोर टेंथ ऑफ द फॉलोइंग डिटेल स्टेप फाइव में क्या होता है हमने अपनी सेल की रिटर्न फाइल करनी होती है जी स्टेप फाइव में ना तो हमें उसकी डिटेल्स देनी होती है फ्रॉम थ्रो द इंफॉर्मेशन सेक्शन और एट द जीएसटी कॉमन पोर्टल और ये हमने टेंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ टेंथ डेट को करनी होती है फॉलोइंग मंथ की स्टेप सिक्स में क्या होता है डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज दे दी हमने फर्निश्ड बाई द सप्लायर विल बी मेड अवेलेबल इन दी जी एस टी आर तो ये अपने ऑटोमेटिकली जी एस टी आर टू ए बन जाएगी रेसिपी की वही स्टेप्स है प्रोसेस उसी से घूम रहा है ठीक है ना पहले वो उसके पोर्टल पे गया उसने अपना जीएसटी नंबर भरा उसने अपने बिल अपलोड किए अपलोड करने के बाद अगर कोई करेक्श एरर है तो उसको करेक्ट करेगा देन उसके बाद वो अपनी आर वन फाइल करेगा टेंथ ऑफ को फिर वो आर वन कन्वर्ट हो जाएगी टू ए में ठीक है स्टेप सेवन में क्या है रेसिपियंट हैज़ टू वेरीफाई वैलिडेट एंड मोडिफाई द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज एंड ऑल्सो फाइल डिटेल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट नोट जो रेसिपियंट है वो टूए आगी ना अब उसके पास तो उसको पहले वेरीफाई करेगा चेक करेगा सारा मॉडिफाई करेगा डिटेल्स को और अगर उसके ऊपर कुछ भी गलती है तो उसके ऊपर क्रेडिट और डेबिट नोट तो इश्यू होता ही है तो वो भी अगर कुछ हुआ है तो वो उसकी भी डिटेल्स फिल करेगा स्टेप एट में क्या होता है रेसिपिएंट हैज़ टू फर्निश दी डिटेल्स ऑफ इनवर्स सप्लाइज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इन जीएसटी आर टू फॉर्म जो रेसिपेंट होता है उसको जो उसकी परचेज़ की है जो मैंने आपको बोला था अभी कि सस्पेंड हो चुकी है तो ये हम प्रोसेस पुराना देख रहे हैं तो अगर स्टेप एट में क्या होता है अगर उसकी कोई परचेज़ का कोई बिल है जो नहीं चढ़ा हुआ तो उसको वो चढ़ाता है जी एस टी आर टू में और स्टेप नाइन में क्या होता है सप्लायर कैन इधर एक्सेप्ट जो सप्लायर है जैसे अब उसने यहाँ पर मोडिफ़िकेशन की तो ये सप्लायर के ऊपर डिपेंड करता है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है मोडिफ़िकेशन को सप्लायर कैन इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी मोडिफिकेशन ऑफ़ द डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई मेड अवेलेबल बाय द रेसिपिएंट इन जी एस टी आर वन ए जो भी उसने मोडिफिकेशन अगर करवाई है वो चाहे एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है ठीक है ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट है फर्स्ट वो पोर्टल पे गया फिफ्टीन डिजिट का नंबर आया उसने हमने बिल्स अपलोड किए अपलोड करने के बाद अगर उसमें कोई एरर है तो उसको करेक्ट कर सकता है उसके पास ऑप्शन होता है देन उसकी आर वन फाइल हो गई टेंथ ऑफ को उसके बाद वो टू ए में कन्वर्ट हो गई ठीक है फिर वो टू ए में कन्वर्ट हो गई उसके बाद रेसिपेंट होता है कि उसको मॉडिफाई चेक करता है सारे डिटेल्स और उसकी अगर कोई डेबिट क्रेडिट नोट है तो वो भी बताता है देन रेसिप हो होता है जो रेसिपेंट होता है अगर उसका कोई परचेज का बिल है उसको चढ़ा देता है देन उसके बाद लास्टेट में होता है जो उसने मॉडिफिकेशन की है डिपेंड अपॉन सप्लायर वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है मॉडिफिकेशन की डिटेल्स को जो उसने मान्य में बताई होती है ठीक है देन पेनाटी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ जी एस टी रिटर्न छोटा सा टॉपिक है अगर हम रिटर्न को लेट फाइलिंग करते हैं ये जो डेट्स हम पढ़ते हैं अगर ये लेट हो जाते हैं इन डेट्स से तो हमें पेनालिटी क्या होएगी ये छोटा सा है देखो फिनिश हो गया हमारा चैप्टर इसके बाद अ पेनाल्टी विल बी लिवाई ऑन द टैक्स पेयर इन द केस ही शी फेल्स टू फाइल द रिटर्न अगर तो वो रिटर्न फाइल करने में फ़ेल हो गए ऑन द टाइम देन उनको ये फाइन लगता है दिस पेनाल्टी इज कॉल्ड लेट फी इसको हम लेट फी बोलते हैं एज पर दी एस टी लो दी एस टी इज रुपीज़ हंड्रेड तो टैक्स कितना लगता है हंड्रेड फॉर ईच हम जब जैसे हमारा टैक्स है सेंट्रल सी जी एस टी और एस जी एस टी तो हंड्रेड हंड्रेड ईच ठीक है हंड्रेड ईच लगता है सेंट्रल को जी एस टी एंड स्टेट जी एस टी ठीक है द्ल द टोटल फाइन अमाउंट विल बी टू हंड्रेड जो टोटल फाइन है वो कितना हो गया टू हंड्रेड पर डे हाउ एवर दिस रेट इज़ सब्जेक्ट टू दि चेंजेस विद विच विल बी अनाउंस थ्रो नोटिफिकेशन अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज आता है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू हमें बता दिया जाएगा दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइन देट कैन बी लिवाई इज़ फाइव थाउजेंड जो इसका मैक्मम फाइन है वो फाइव थाउजेंड तक जा सकता है ठीक है और जो हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब आईजीएसटी है आईजीएसटी डज़ नॉट अट्रैक्ट एनी लेट फी आईजीएसटी में हमें रिटर्न लेट फाइल करने पे कोई फाइन नहीं होता इन केस द रिटर्न फाइलिंग इज डिले ठीक है दी टैक्स पेयर विल आल्सो भी रिक्वायर्ड टू पे एन इंटरेस्ट और उसके बाद टैक्स पेयर जो होता है उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है लेट फी पे टैक्स पेयर इज विल ऑल्सो भी रिक्वायर टू पे एन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एटीन परसेंट पर एन एम इन एडिशन टू पे लेट फी जब वो लेट फी करता है तो उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है दिस इंटरेस्ट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय द टैक्स पेयर ऑन दी अमाउंट ऑफ टैक्स दट इज़ टू बी पे ये इंटरेस्ट किसके ऊपर चार्ज होता है जितना अमाउंट उसने टैक्स का पे किया है उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है उसको होम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है पेनालिटी तो पर डे टू हंड्रेड है ही है जितना उसका टैक्स का अमाउंट लेट आया उसके ऊपर उसको एटीन परसेंट इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा ठीक है पेनल्टी ख़त्म ये चैप्टर हमारा खत्म है नेक्स्ट हम हमारा पेमेंट्स वाला चैप्टर है मेरी बुक के अकॉर्डिंग वैसे आपको इसके रिलेट कर दूं तो ये से हमने ये अब रिटर्न फाइल कर रहे हैं ना यहाँ पे तो अब फाइल कर दी जितना टैक्स बना उसकी पेमेंट करनी है हमने अब उसकी पेमेंट करनी है वो मेरी बुक में नेक्स्ट चैप्टर है आप इसी से रिलेट कर सकते हो हम रिटर्न की पेमेंट करेंगे अगली वीडियो में ठीक है कि हमने रिटर्न फाइल कर दी अब हमारा जितना टैक्स बना है उसकी हमने पेमेंट कैसे करनी है उसका प्रोसेस वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ठीक है डन फॉर टूडे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर